नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फार्मेसी हिंदी पे। दोस्तों, आज हम आपको एल्प्राजोलम टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। आमतौर पर लोग इसे नींद की दवा के नाम से जानते हैं, लेकिन इसके और भी कई अन्य यूजेज होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इसे केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के क्यों नहीं देता है और इस टैबलेट को किस तरीके से लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। एल्प्राजोलम एक बेंजोडाइजिपेन क्लास की साइकोट्रोपिक ड्रग है। यह हमारे मस्तिष्क को शांत करने का काम करती है। यह टैबलेट 0.25, 0.5, 1, 2 और 3 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, यह टैबलेट 20 मिनट से 1 घंटे के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर देती है और 11 से 12 घंटे तक असर रखती है। यह आपको कई नामों से मार्केट में मिल जाती है, जैसे कि एल्प्रेक्स, जेनेक्स, एल्ट्रिक्स, ट्राइका। यह एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग भी है, इसलिए इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं इसके यूजेस की। इसका प्रयोग एंग्जाइटी डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर में किया जाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ज़्यादा चिंता होती है, वह चाहे भविष्य को लेकर हो या किसी अन्य बात से हो, और ज़्यादा चिंता के कारण बेचैनी, घबराहट, सांस का फूलना, ये सब लक्षण होते हैं। इस टैबलेट को इंसोमनिया में भी दिया जाता है। इंसोमनिया में नींद नहीं आती है, साथ ही इसे डिप्रेशन में या कीमोथेरेपी चल रही है किसी की, उसमें भी कई कंडीशंस में दिया जाता है। इस टैबलेट को महिलाओं को प्रीमेंसुरेशन सिंड्रोम में भी दिया जाता है। प्रीमेंसुरेशन सिंड्रोम में पीरियड्स आने से पहले ज़्यादा चिड़चिड़ापन व गुस्सा होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसे दिया जाता है। इस टैबलेट को एडिक्शन में भी दिया जाता है। कोई एडिक्शन छोड़ना चाहता हो, चाहे वह अल्कोहल की हो या ओपियम की या किसी अन्य ड्रग की, इस टैबलेट को तब भी दिया जाता है। इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि डिजीनेस, ड्रॉबीनेस, इम्बैलेंस ऑफ बॉडी यानी बॉडी का बैलेंस न बनना, मुँह का सूखना या लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एक जगह पर ध्यान न लगा पाना, सिर दर्द, हाथ पाँव कांपना, मेंटल अलर्टनेस ना होना। इस टैबलेट की डोजेज डॉक्टर कंडीशन देख के डिसाइड करता है। फिर भी आमतौर पर इसकी डोज एंग्जाइटी में 0.25 से 0.5 mg दिन में 2 से 3 बार होती है, और पैनिक डिसऑर्डर में 0.5 mg से 1 mg दिन में 1 बार होती है। पैनिक डिसऑर्डर में इसे प्रोलॉन्ग रिलीज फॉर्म में दिया जाता है, जिसमें एक ही टैबलेट पूरा दिन असर रखती है। इंसोमनिया में इस टैबलेट को SOS में दिया जाता है और ज़्यादातर 0.5 mg डोज चलती है। इस टैबलेट को लेते समय कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे इस टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए या कोई हैवी मशीन नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि इससे नींद आती है। इस टैबलेट को अल्कोहल के साथ न लेना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल से भी नींद आती है और सेडेशन ज़्यादा हो सकती है। इस टैबलेट को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग वोमेन हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। हमने कोशिश की आपको इस वीडियो के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।